अखिलेश ने दिए महागठबंधन के संकेत, कहा एक विचारधारा के लोग आए हैं एक साथ। विधानसभा चुनाव के बाद पहले बार वाराणसी आए सपा मुखिया अखिलेश यादव भाजपा पर हमलावर दिखे। अखिलेश जहां भाजपा की खामियों को जनता के सामने रखा, तो दूसरी तरफ 2019 में लोकसभा चुनाव में महागठबंधन के संकेत भी दिए। जनवादी सोशलिस्ट पार्टी की ओर से पृथ्वीराज चौहान की जयंती पर आयोजित स्वाभिमान रैली में सपा मुखिया अखिलेश यादव ने शिरकत किया। जनसभा को संबोधित करने के बाद अखिलेश यादव ने मीडिया से बातचीत के दौरान 2019 में लोकसभा चुनाव में महागठबंधन के संकेत दिए। अखिलेश यादव ने कहा कि 2019 और 2022 के चुनाव में अभी समय है, लेकिन देश में ऐसा प्रयास हो जिससे एक सोच और एक विचारधारा के लोग एक जगह पर आ जाए। अखिलेश ने आगे कहा कि भारतीय जनता पार्टी से देश निराश हुई है। अजमेर और अन्य जगहों पर हुए चुनाव में जनता ने बीजेपी को नकारा है। प्रदेश सरकार और मोदी सरकार पर अखिलेश ने निशाना साधते हुए कहा कि यूपी के बजट और केंद्र सरकार का 5 साल का बजट बताता है कि भाजपा की लिस्ट में किसान, गरीब और नौजवान नहीं है। बजट से इन्हें निराश हुए हैं। इसके साथ ही अखिलेश ने सभी छोटे दलों को एक साथ आने की बात भी कही। अखिलेश ने जनवादी सोशलिस्ट पार्टी के मंच से अपनी सरकार की उपलब्धियां भी गिनाई। अपने उपलब्धियों का बखान करते हुए अखिलेश ने कहा कि हमने यूपी में डायल 100 सेवा शुरू की, जिससे गांव के लोगों को थाने न जाना पड़े, लेकिन बीजेपी इसमें भ्रष्टाचार बताती है। हमने 102 एम्बुलेंस सेवा शुरू की, लेकिन अब सरकार उसे बंद कर रही है। अखिलेश यादव ने चौहान समाज के लोगों से पृथ्वीराज चौहान की अस्थियों को लाने के बात भी कही। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के तर्ज पर अब समाजवादी पार्टी भी मिशन 2019 में जीत के लिए छोटे राजनीतिक दलों को जोड़ अपनी नया पार लगाने में जुट गई है, जिसके तहत वाराणसी के छोटी कटिंग मेमोरियल में मैदान में अखिलेश ने ये रैली की। क्या चाहते हो जल्दी जल्दी? गठबंधन होने जा रहा है, राहुल गांधी तैयार हो रहे हैं। मेरी जानकारी, मैं क्या पूछ रहे हो? देखिए, अभी चुनाव में बहुत समय है। मैं समझता हूँ कोई भी देश में प्रयास हो, और ऐसा प्रयास हो जिसमें एक सोच के, एक विचारधारा के लोग एक जगह आ जाएं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से देश की जनता निराश हुई है। हाल ही में जो चुनाव हुआ था, आपका अजमेर में या देश में किसी कोने में, जनता ने भारतीय जनता पार्टी को बुरी तरीके से नकार दिया है। और उत्तर प्रदेश के एक साल के लगभग की सरकार और 5 साल के बजट, ये बताते हैं कि किसान, गरीब और नौजवान उनकी लिस्ट में नहीं है। उनके लिए कोई भी बड़ा फैसला नहीं हो पाया है। किसान, गरीब, गांव वाले और नौजवान निराश हुए हैं भारतीय जनता पार्टी से।